हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आस्ताकाइन डीएक्स जूनियर सिरप, यानी बच्चों की जो कफ़ एंड कोल्ड की समस्या है, जो सर्दी जुखाम खांसी की जो समस्या है उसके ऊपर, उसके लिए जो कफ सिरप जो रिकमेंड होती है उसको हम देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। सो आस्ताकाइन डीएक्स सिरप मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर्ड होता है एंड इसमें जो कंपोजिशन होता है वो है फेनाइल एफरिन, क्लोरफेनाइल एफरिन मेलिएट, डेक्सट्रोमेथोरफन, हाइड्रोब्रोमाइड। ये तीन सॉल्ट के कम्बिनेशन से आपका ये मेडिसिन बनता है, ये कफ सिरप बनता है। और ये जो कफ सिरप यूज़ करने से पहले आपको मैं आपको रिकमेंड कर दूं कि आपको ये डॉक्टर्स एडवाइस पे ही आपको यूज़ करना है, क्योंकि बच्चों की जो मेडिसिन है, बच्चों की जो ट्रीटमेंट होती है, उनकी जो मेडिकेशन होती है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, ठीक है। उनको कभी दिक्कत भी हो सकती है मेडिसिन से, तो बच्चों की ट्रीटमेंट जब भी आप कराएँ तो आप प्लीज़ डॉक्टर से रिकमेंड करने के बाद ही कराएँ। ये वीडियो आपको केवल नॉलेज पर्पस से है। सो अब आ जाते हैं कि आस्ताकाइन डीएक्स कफ सिरप के कुछ इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो बेसिकली ये आपको एक ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के लिए है। ये आपको जितनी भी एलर्जी, बच्चों में जो भी एलर्जिक सिम्टम्स होंगे सर्दी जुकाम खांसी के टाइम पे, लाइक छींकना, बच्चों के नाक से पानी आना, वाटरी आइज़, आँख में पानी आना, थ्रोट में यानी गले में हल्का सा इरीटेशन होना, ठीक है, उनके गले में खराश आना, एंड उसके अलावा सर्दी, तो ये सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं कि इनमें जो कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है उसका क्या क्या वर्क है। सो इसमें जो, जैसे मैंने बताया कि इसमें फेनाइल एफरीन यूज़ हुआ है। सो फेनाइल एफरीन एक तरह से आपका जो, अगर बात किया जाए तो ये एक इस मेडिसिंस है जो कि आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ प्रोवाइड करता है आपके जो नाक बंद हो जाते हैं उसके लिए, यानी बेसिकली ये एक नेसल कंजेशन है, ठीक है। सो जो बंद नाक आपका बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी के टाइम पे हो जाता है तो उसमें कुछ टाइम के लिए उनको शॉर्ट रिलीफ प्रोवाइड करता है ताकि नाक खुले और फिर उनको सांस लेने में आराम हो। एंड इसके बाद जो क्लोरफेनारामिन मेलिएट है ये एंटी एलर्जिक है, यानी एलर्जिक से रिलेटेड जितनी भी सिम्टम्स हैं जैसे आपका रनी नोज़, वाटरी आइज़, छींकना, ठीक है, ये सारी चीज़ों में ये वर्क करता है। एंड इसके बाद है डेक्सट्रोमेथोरफन हाइड्रोब्रोमाइड, तो ये कफ सप्रेसेंट है, ठीक है, ये आपके कफ को बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है, और कफ का बनना शरीर में कम करता है। सो ये इसका यूज़ है। अब बात कर लेते हैं कि इसको कैसे, इसका क्या क्या यूज़ है, इसके ऊपर भी देख लेते हैं। तो बेसिकली ये ड्राई कर्व में यूज़ होता है, और जैसा कि मैंने बता दिया ये सर्दी जुकाम खांसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस टाइम पे यूज़ की जाती हैं, ड्राई कफ में इसका काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला गया। तो बेसिकली आस्ताकाइन डीएक्स कफ सिरप आपको ड्राई सूखी खांसी में ही यूज़ करना है, एंड इसके अलावा कफ को बाहर निकालने में ये हेल्प करता है आपका, है, और जो गले में खराश है इसके साथ साथ उसको भी ख़त्म करने में हेल्प करता है। तो यही सी यूज़ है बच्चों से रिलेटेड, बच्चों में जो जब सर्दी जुखाम खांसी हो जाता है तो उनसे जो भी रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है ये उनको ठीक करता है, बस फीवर को नहीं ठीक करता है, फीवर के लिए अलग आपकी मेडिसिन आएगी। बाकी सर्दी जुखाम खांसी, गले में खराश, ये सारी चीज़ें, कफ की जो समस्या है ये सारी चीज़ों में ये ट्रीट करेगा। अब बात करते हैं कि इसको कैसे लेना है। तो सबसे पहले तो इसको, कोई भी कफ सिरप को यूज़ करने से पहले, सबसे पहले उस पर मेंशन होता है सेक वेल बिफोर यूज़, सबसे पहले आप उसको प्रॉपर शेक करेंगे। इसके बाद आप उसमें कैप में से मेज़र करके
ठीक है, उसमें कैप से प्रॉपर मेज़र करके डॉक्टर से एडवाइस ले करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप एक चम्मच आप सुबह और एक चम्मच आप शाम आप स्पून ले लीजिएगा, जो आपके घर में नॉर्मल स्पून होता है, आप उसको ले करके उसको बच्चे को दे सकते हैं। ठीक है, और इसको बेसिकली खाने के बाद भी ले सकते हैं और खाने से पहले भी दे सकते हैं, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है। एंड इसके अलावा इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बच्चों में, आपको वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, उनको नौजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर ऐसी कोई उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट दिखता हो तो आप प्लीज़ डॉक्टर्स को ज़रूर रिकमेंड करिएगा, ज़रूर उनको बताइएगा। एंड इनके साथ थोड़े से उनको सोने की मतलब उनको नींद आ सकती है, तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है बस, बाकी और कोई इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसके लिए आपको, इसके अलावा आपको बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी पे प्रॉपर केयर करनी है, ठीक है, आप जो घर का जो घरेलू नुस्खा होता है, ठीक है, वो भी अपनाना है, एंड इसके बाद आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपके बच्चों को रिलीफ मिल जाएगा। सो ये था यूज़ आस्ताकाइन DX जूनियर सिरप का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। होप यू लाइक द वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।